हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का, जो कि है लेंसेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंसेस क्या होते हैं, लेंसेस के इमेजेस बनाने के लिए कौन से रूल्स हैं, और उन सभी इमेजेस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी भी करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि लेंसेस को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वहां। करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि लेंस क्या होता है। देखा जाए तो लेंस है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके आर पार हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अब लेंस जो होती है वो स्फेरिकल सरफेस से बनी होती है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन द स्फेरिकल सर्फेसिस यूज देयर या फिर जितने अवेलेबल है, हम लोग लेंसेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला टाइप जो है वो आता है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में जो स्फेरिकल सरफेस है वो दोनों ही बार आउटवर्ड में बल्ज होते हैं। सो दोनों सरफेस आउटवर्ड है, सो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो कॉर्नर पे थिन होती है, मतलब कि पतली, और बीच में वो मोटी होती है। तो ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इसे हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी रेस पैरेलल होगी वो लेंस से निकलने के बाद एक पॉइंट पे मिलेगी, मतलब हम लोग उसको एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस। इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब अगर इनवर्ड कर्व है दोनों केसेस में, तो हम लोग उसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज अ कॉनकेव लेंस। सो हमने ऊपर देखा था कि एंड्स पे वो पतली होती है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एंड्स पे ये पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है और बीच वाला जो पार्ट है वो यहां पे पतला रहेगा। दूसरी बात, हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं रेस को डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस ऐसा भी नाम देते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इन दोनों लेंसेस को डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस बाहर पतला अंदर मोटा, दोनों ही सरफेसेस बाहर की तरफ बल्ज होंगे। कॉनकेव लेंस बाहर मोटा अंदर पतला, और दोनों ही सरफेसेस अंदर की तरफ बल्ज रहेंगे। सो दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अवर कॉनकेव लेंस। इसके अलावा और दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर सपोज मैंने एक सरफेस आउटवर्ड लिया और उसका जो दूसरा सरफेस है उसे प्लेन रख लिया, सो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस बल्ज है। उसी तरह से जो चौथा होता है अगर इनवर्ड बल्ज है और दूसरा अगर प्लेन है, सो हमें यहां पे जो लेंस मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। तो इस तरीके से ये लेंसेज बनते हैं। दूसरी बात, ये जो दोनों लेंसेज है इसे बहुत सी बुक्स में दिस इज कॉल्ड एज बाय कॉन्वेक्स, बिकॉज दोनों ही तरफ से आउटवर्ड बल्ज है, और इसे हम लोग कहते हैं बाय कॉनकेव बिकॉज दोनों ही तरफ से वो इनवर्डली बल्ज होता है वहां पे। सो दोस्तों, ये होते हैं चार टाइप के लेंसेस जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, और जैसा पहले भी हमने देखा कि हमें ये जो दो लेंसेज है इन लेंसेस को वहां पे डिटेल में पढ़ना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे जो एक लेंस के साथ एसोसिएटेड होती है। अब जैसे कि सपोज हम लोगों ने एक कॉन्वेक्स लेंस को ले लिया, ओके। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, मतलब जो बीच वाला पॉइंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे ओ के साथ। अब हमने क्या करना है, जो दो स्पीयर से ये बना हुआ है उन स्पीयर को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहां से ये स्पीयर को मैंने ऐसा कंप्लीट कर लिया और इस तरह से ये स्पीयर यहां पे कंप्लीट हो गया। सो ये जो पहला स्पीयर है, सॉरी हम लोग इसको कहेंगे दिस इज द फर्स्ट स्पीयर एंड दिस वन इज द सेकेंड स्पीयर। सो दिस इज द फर्स्ट स्पीयर। इस फर्स्ट स्पीयर का जो भी सेंटर होगा उसे हम लोग कहेंगे सी वन,
और इस तरफ जो होगा वी विल कॉल इट अ सीट। सो हमारे लिए ये जो C1 और C2 है इसे हम लोग कहते हैं दे आर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, दे आर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का मतलब होता है उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से आपका लेंस बना हुआ है। अब दो स्फेरिकल सर्फेस है तो दो लेंस दो स्फीयर्स रहेंगे, सो इस साइड वाले को हम लोग पहला लेते हैं, इस साइड वाले को दूसरा हम लोग लेते हैं। ओके सो यहां पे हम लोगों ने पहले पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर जो कि है हमारा सेंटर लेंस का, और दूसरी दो टर्म से C1 एंड C2 जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और चीज दोस्तों याद रखेंगे, जब भी हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं रिलेटेड टू अ लेंस वो हमेशा इस ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में ही मेजर किया जाएगा। कंपेयर अगर हम लोग करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है सो ये जो ओ है ये हमारा ओरिजिन का रोल प्ले करता है इन शॉर्ट। अब आ जाती है अगर हम लोग यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देते सो इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट प्लेज अ रोल ऑफ एक्स एक्सिस। जो आपका कार्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रूल होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको आप एक्स एक्सिस लेते हो, सो उसी तरह से हमारा ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सो आप डिफाइन कर सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस को लाइन विच जॉइंस बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर, या वहां से जो पास होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है जैसे यहां से कुछ रेज हम लोग पैरेलली पास करते हैं तो जैसा हमने कहा था कॉन्वर्जिंग है सो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होंगे। लेट्स से वो पॉइंट यहां पे बता दिया दिस इज F2 और उसी तरह से अगर रेज इस साइड से आती है सो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा दैट विल बी F1। सो ये जो F1 एंड F2 है इन दोनों को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां से रेज एक पॉइंट करके बाहर निकलती है। अगली बात आती है दोस्तों अगर ये F1 से O तक का डिस्टेंस में मेजर करता हूं इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि हर स्पेसिफिक लेंस के लिए अलग अलग होता है। जितना फोकल लेंथ इस तरफ है उतना ही यहां पे भी होगा, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं आपके ऑप्टिकल सेंटर तक तो उसे हम लोग आर से डिनोट करते, इस आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वो स्फीयर का रेडियस। अब एक चीज यहां पे आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सी बुक में ये जो है इसको 2F1 लिखा गया है और इसको 2F2 लिखा गया है, मतलब फोकल लेंथ जो होती है उसका डबल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, मतलब उतना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात काफी सारी जगह पे ये टर्म्स आपस में चेंज भी जाती है, इस तरफ F1 है उस तरफ F2 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ याद रखना है 2F1 हो या 2F2 हो उनका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो स्फीयर का सेंटर। सो यहां पे हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी, पहला था ऑप्टिकल सेंटर आपका जो लेंस है उसका सेंटर, फिर हमने पढ़ा C1 C2 जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का सेंटर, नेक्स्ट हमारे पास F1 F2 दैट इज द फोकस पॉइंट, फिर फोकस से लेके तो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे एक रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ये हम जब लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब हमें ये रिलेशन काम आएगा। सो दोस्तों ये है कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग एक लेंस के कंसेप्ट में याद रखते हैं। यहां पे हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, इसी तरह से हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए भी इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं वहां पे। दोस्तों अगला जो टॉपिक आता है लेंस से रिलेटेड दैट इज रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम, जो केसेस हम लोगों ने स्टडी करनी है, ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रखेंगे तो इमेज कैसा कैसा मिलेगा, उन्हें ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है दोस्तों। अब जैसे कि पहला रूल है आप देख सकते हो डायग्राम आपके स्क्रीन पे, रूल कुछ ऐसा है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है सो लेंस से निकलने के बाद मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होगा। सो रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट पासेस थ्रू द फोकस, कहां से जाएगा वो फोकस से। तो याद क्या रखना है पैरेलल
जाएगा वो फोकस है, ये हमारा पहला रूल है। अब आते दूसरा रूल, डायग्राम आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, जो कि इसका अपोजिट। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके आ रहा है सो लेंस के उस साइड वो पैरेलल निकल जाएगा, मतलब इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहला था पैरेलल गया फोकस से, दूसरा आया फोकस से गया पैरेलल। रूल नंबर थ्री दोस्तों, यहां का जो रूल है वो ऐसा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आता है सो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाला लाइट सीधा वैसे ही निकल जाएगा, वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा। ओके सो ये है हमारे पास तीन रूल, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। पैरेलल पासेस थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस गोज पैरेलल, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से वो आया सो वो सीधा के सीधा वहां से निकल जाएगा। दोस्तों जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे सो आपको इन तीन रूल्स में से कोई भी दो यूज करने, आप तीनों भी यूज कर सकते हो बट जरूरी ये होता है कि आप कोई भी दो रूल यूज कर ले और इन दोनों रूल्स के बेसिस पे आपको अलग अलग जो केसेस है वो यहां पे पढ़ने को मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रे डायग्राम्स को हम लोग कैसे बनाते हैं और क्या क्या केसेस वहां पे हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉपिक की, दैट इज इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। आप एक टेबल देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे छह अलग अलग केसेस बताइए और यही छह अलग अलग केसेस हम लोगों ने यहां पे बारी बारी से स्टडी करनी है। तो देखते हैं पहला केस। पहला केस ऐसा है दोस्तों, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, मतलब जैसे कि सन के रेज अगर कहीं से आ रहे बहुत दूर वाले डिस्टेंस पे, सो जो इमेज है वो मुझे फोकस पे बनते हुए दिखेगी। आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंगली जो भी पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे उसकी इमेज आपके स्क्रीन पे अपियर होने वाली है। सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल गेट फॉर्म एट द फोकस। ओके आप वहां पे देख सकते हो लेंस के उस साइड मिल रहा है, यहां पे आपको पॉइंट इमेज मिलेगा, एकदम छोटा सा पॉइंट का इमेज आपको वहां पे बनते हुए देखने को मिलेगा। ओके सो बचपन में आपने जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा सो आप पेपर को जलाते होंगे तो जो सन के रेज आते हैं वो एक पॉइंट पे लाते थे, सो जो पॉइंट था दैट पॉइंट वॉज अ फोकस पॉइंट, और जो रेज आ रही थी वो सारी आ रही थी इन्फिनिटी वाले डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, दैट इज द सन। दिस वॉज द फर्स्ट केस फ्रेंड्स। बढ़ते आगे दूसरे केस की तरफ। अब आपने ऑब्जेक्ट को है ना आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना, मतलब 2 times फोकल लेंथ 2f के पीछे आप उस ऑब्जेक्ट को रखते हो। जब आप उसे 2f के बाद रखते हो आप देख सकते हो तीनों रेज वहां पे बताई गई है, सो वो जो रेज है वो आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही होगी लेंस के इस साइड में। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट 2f1 के बाद में रखा तो आपको इमेज जो मिलेगा इस साइड पे वो मिलेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेक्स्ट केस, यहां पे जो नेचर है आपकी इमेज का दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा है वो। दूसरी बात, पहले मुझे पॉइंट इमेज मिला था, इस बार जो मुझे इमेज मिला है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसका साइज अभी भी छोटा है, इसलिए हम लोग साइज ऑफ इमेज में लिखते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है दोस्तों जिसका साइज छोटा है। ओके तीसरा जो केस आता है दोस्तों, यहां पे मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा मुझे इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा उस साइड पे। आप देख सकते हो 2f1 एंड 2f2 पोजीशन डायग्राम में बताइए, इस पोजीशन पे आपको जिस साइज का इमेज है वही साइज आपको ऑब्जेक्ट का भी दिख रहा होगा, मतलब दोनों के साइज सेम है। नेक्स्ट अगेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, आप देख सकते हो इमेज उल्टा बना है और लेंस के इस साइड है सो इट इज रियल, साइज इज सेम। सो दिस इज अ थर्ड केस। नाउ इन द फोर्थ केस मैं उसको और आगे ले गया, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सो मुझे जो इमेज मिल रही है आप देख सकते हो रे डायग्राम में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे मिल रही है लेंस के इस साइड में। ओके दूसरी बात, आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में आपके इमेज का साइज बड़ा हो चुका है, सो मैं कह सकता हूं इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड प्लस इट इज एनलार्ज, यू कैन से इट इज मैग्निफाइड, थोड़ा सा वो इमेज बड़ा हो चुका है वहां पे। ओके तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पहले इन्फिनिटी पे थे फिर 2f के बाद में रखा फिर उसको 2f पे रख दिया फिर और अंदर की तरफ लेके
सो ये इस तरीके से हम लोग उसको और आगे आगे लाएंगे. नेक्स्ट केस दोस्तों, दैट इज द केस नंबर 5 नाउ. अब मैंने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली रख दिया फोकस पे. जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, सो मुझे जो इमेज मिलेगी अब वो इन्फिनिटी पे मिलेगी. मतलब इमेज बहुत दूर बनने वाली है, लेंस के बस की बात नहीं है. इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड नो डाउट, एंड इट विल बी हाईली मैग्निफाइड. बहुत ही बड़ा मुझे इमेज मिलने वाला. तो दोस्तों जो 5 केसेस है, इन्फिनिटी 2f के बाद में, दैट इज एट 2f, बिटवीन 2f एंड फोकस, एंड लास्ट वन इज एट फोकस, इन केसेस में मुझे जो इमेज मिलती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है दोस्तों. जो 6th केस आता है, जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के और पास लेके आया, मतलब अब मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है. इस केस में मुझे जो इमेज मिलती है वो लेंस के उसी साइड मिलती है जिस साइड मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है. सो यहां पे जो मुझे नेचर मिलता है वो नेचर है वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट. आप देख सकते हो यहां पे अभी इमेज आपका सीधा बन चुका है. नो डाउट साइज बड़ा है तो हम लोग उसको एनलार्ज एंड मैग्निफाइड लिखेंगे, बट इसके पहले के जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे उन केसेस के कंपैरिजन में यहां पे जो इमेज बना है वो उसी साइड बना है. सो ये केस को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से रखेंगे दोस्तों, बिकॉज यहां पे इमेज लेंस के उस साइड नहीं उसी साइड बन रही है जिस साइड मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. सो ये जो 6 केसेस है, इन 6 केसेस में अक्सर देखा गया है, आपको कोई भी एक केस एग्जाम में पूछा जाता है आपको प्रॉपरली रे डायग्राम्स बनानी है. हमने कोशिश की थी तीनों रेस को यूज करने की, आप कोई भी दो रेस की मदद से भी उस इमेज को वहां पे ड्रॉ करके बता सकते हो दोस्तों. आगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेस के कुछ यूजर्स आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे. ये जो यूजर्स है ये भी आपको एग्जाम में एक एक दो दो मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो आप इन यूजर्स पे एक बार थोड़ी सी नजर लगा सकते हो. इसके अलावा अगर आपको दोस्तों कोई भी टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की. और बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरह हम लोग हर एक साइंस के टॉपिक से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पॉइंट को आपके लिए लेके आएंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों.